हेलो फ्रेंड्स, पराठों की सीरीज में आज हम बनाएंगे प्याज के पराठे, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही झटपट से बनके तैयार हो जाते हैं। तो इसके लिए हमने 2-3 चम्मच तेल गरम कर लिया है और उसमें डाल दिया है साबुत जीरा। जब जीरा चटक जाए तब हम इसमें डाल देंगे प्याज। तो मैंने यहाँ पे मीडियम साइज के 2 प्याज को बारीक कट करके डाला है। साथ में हम डाल देंगे दरदरा कूटा हुआ हरी मिर्च। आप चाहे तो मिर्च को बारीक काट भी सकते हैं। साथ में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा जीरा पाउडर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहे तो स्किप कर सकते हैं। अब इन सभी को हम मिक्स कर लेंगे और हल्का सा भून लेंगे। इस तरह से भून करके जब हम प्याज के पराठे बनाते हैं ना, तो पराठे बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। आप इस तरह से ट्राई कीजिएगा, मेरी इस रेसिपी को फॉलो कीजिए, बहुत ही अच्छे पराठे बनेंगे। तो प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। जब हल्का सा प्याज सॉफ्ट हो जाए तब हम इसे बंद कर देंगे। अब हम गेहूं का आटा ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 कप गेहूं का आटा लिया है और उसमें हम डाल देंगे इस भुने हुए प्याज को। तो ये प्याज जो है इसे हमें गर्मा गर्म ही डालना है और इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो ये अभी गर्म है तो इसे हमें इस तरह से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद जब ठंडी हो जाएगी तब हम इसे हाथों से अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये गर्मा गर्म डालने से जो पराठे हैं ना, काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं। तो देखिए, इसे हमें अच्छे से मिला लेना है। मिलाते मिलाते ये ठंडी हो जाएंगी। तो देखिए, ये ठंडी हो गई है लगभग। तो चलिए अब हम इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से पराठे बनाइएगा, बहुत मज़ा आएगा। जब भी पराठा खाने का मन करे तो वही सिंपल सी पराठे खाने से ये बहुत अच्छा है कि आप थोड़ा सा प्याज लें, थोड़ी सी मिर्च और हल्का सा आप मतलब थोड़ा सा मेहनत करें और देखिए कितने अच्छे पराठे बनके तैयार हो जाते हैं। तो चलिए, मिक्स होने के बाद मैंने इसे पानी से कूट लिया है, नॉर्मल पानी से, और ये हमारा जो आटा है ये लग के तैयार है। अब हम इसके पराठे बनाएंगे। तो इसके लिए हम एक लोई तोड़ लेंगे और इसे हम थोड़ा सा चिकना कर लेंगे हाथों से, क्योंकि इसमें हमने प्याज डालकर गूथा है ना, तो थोड़ा सा हाथों से चिकना करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो साइड्स जो हैं वो फटने लगते हैं। तो देखिए, इस तरह से चिकना करके हम एक स्मूथ सा लोई बना करके तैयार कर लेंगे। अब सूखे आटे की मदद से हम इसे बेल लेंगे। तो पराठे को हमें बहुत मोटा या फिर बहुत पतला नहीं बेलना है, बस नॉर्मल से पराठे हम बेल के तैयार कर लेंगे। तो जब तक मैं पराठे बेल रही हूँ, आप सभी को याद दिला दूँ कि प्याज के पराठे के अलावा अगर आपको और भी पराठे की रेसिपी देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको पराठों की सीरीज़ में बहुत सारे पराठों की रेसिपी देखने को मिलेगी और उसकी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो प्लीज़ वहाँ पे जाइए और चेक कीजिए। आई होप आपको ये सीरीज़ बहुत अच्छी लगेगी। तो देखिए, मैंने पराठे को बेल लिया, अब इसे सेक लेते हैं। तो एक तरफ हम थोड़ा सा हल्का सा सेकने देंगे, फिर इसे हम पलट लेंगे और फिर दूसरे तरफ से भी हल्का सा सिक जाए तो फिर से पलट लेंगे, और फिर इसमें हम ऑयल डालकर दोनों तरफ से अलट पलट करके सेक लेंगे और जो हमारी प्याज के पराठे हैं ना, वो बनके तैयार हो जाएंगे। बहुत ही आसान है बनाना, बहुत ही कम समय लगता है। इस तरह से आप प्याज के पराठे बना सकते हैं। तो आई होप आप अपने घर पे इस पराठे को ज़रूर ट्राई करेंगे, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे ना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, मैंने एक पराठा बना लिया और सारे पराठे को हम इसी तरह बना लेंगे। तो चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि पराठे बने कैसे हैं। तो देखिए, इसका टेक्सचर देखिए, बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। आप इसे कितनी देर के लिए भी छोड़ दें, इसी तरह से सॉफ्ट रहते हैं, और इसका स्वाद तो बहुत ही लाजवाब है। मैं आपको दिखा रही हूँ कितने नरम हैं। देखिए, यकीन नहीं कर सकते कि प्याज के पराठे इतने सॉफ्ट बने हैं। तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।